हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 23 जून और ये टाइम हो रहा है करीब 6:30 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर उठी थी करीब 6 बजे करीब, और उसके बाद जो है ना बासी झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं नहा धो ली थी, और नहाने के बाद अभी जो है ना आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मैं बैंगन का भरता बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो बैंगन को भूनने के लिए रख दिया था सुबह ही, क्योंकि इसको भूनने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए इसको तभी भूनने के लिए रख दिया था। नहाई वहाई तो तब तक जो है ना ये अच्छे से भून गया, और अभी जो है ना बिल्कुल काला सा हो गया है ये। और मैंने इसको पानी में कटोरे में ठंडा होने के लिए रख दिया है, और पानी में रख देते हैं ना तो इसका छिलका सा अपने आप उतर जाता है इधर। सो फ्रेंड्स, इधर लहसुन प्याज टमाटर तीनों चीज़ों को है ना अच्छे से चॉप कर लिया है, मतलब इसमें बाउल में चॉप कर लिया जो मेरा चॉपिंग बाउल है ना उसमें। तो पहले जो है ना प्याज को चॉप करूँगी अच्छे से, तो वैसे जब मैं भरता वगैरह बनाती हूँ ना तब भी ऐसे ही चॉप करती हूँ प्याज को। और अब जो है ना ये चॉपिंग बाउल है तो बहुत अच्छे से जो है ना इसमें चॉप हो जाता है। और पहले मैंने प्याज और लहसुन को अलग अलग किया और टमाटर को अलग किया, क्योंकि जो है ना दोनों तीनों चीज़ें अलग अलग डलती हैं। तो मैंने प्याज को पहले ना प्लेट में निकाल लिया है, अभी जो है ना मैं इसमें करूँगी टमाटर को चॉप अच्छे से। और तब तक जो है ना बैंगन भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसको टमाटर को कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, टमाटर प्याज तो मैंने अच्छे से चॉप करके साइड में रख दिए हैं, इधर जो है ना ये बैंगन ठंडा हो गया है तो मैं इसका छिलका जो है ना आसानी से उतार रही हूँ। तो ये जो छिलका है ना जब बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, जब बैंगन से पानी पानी से निकलने लग जाता है ना, तब तक हम लोग इसे गैस पे से नहीं उतारते हैं। एक्चुअली मैं पहले तो चूल्हे वगैरह पर भूनते थे ना, मिट्टी का चूल्हा, तो उस पर बहुत अच्छा भूनता था, लेकिन आजकल जो है ना वो सब रहे नहीं है। लेकिन जो गैस पर भूनते हैं तो भी ठीक ठाक भून जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, मैंने इसका सारा छिलका वगैरह सब उतार दिया है, अभी मैं इसको छोंकने की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जो भी दाल फ्राई वाला होता है, तो बस उसी में बन जाएगा ये। तो यहाँ पर तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, ऐसा होता है जैसे चटनी वगैरह ये सब चीज़ें हम बनाते हैं ना तो इनमें तेल ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पर पहले मैं प्याज को चॉप करके जो रखी है ना उसको डाल दूँगी अच्छे से। इसी के साथ मैंने लहसुन को अभी चॉप किया हुआ था, तो यहाँ देखिए मैंने प्याज जो है ना बहुत बारीक से चॉप की थी, और अभी जो है ना इसको कुछ देर तक भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, तो बस यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची और तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया है अच्छे से। और काफ़ी देर तक भूनने के बाद ना मैंने इसमें ये सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, तो बस इसमें हल्दी नहीं ऐड करूँगी। बस क्या है, बस नमक, मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला के बगैर जो टेस्ट नहीं आता है वैसे, तो हल्दी इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर भरता पीला पीला हो जाता ना, अच्छा नहीं लगता। कोई कोई सब्ज़ी होती है जिसमें हम लोग हल्दी मतलब ड्रॉप करते हैं, हल्दी को बहुत चीज़ों में अवॉइड की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से मसाला भुनने के बाद ना मैंने इसमें इस बैंगन को ऐड कर दिया है। तो बहुत देर तक इसको है ना मतलब कट कट करके है ना, बहुत देर तक मैंने इसको ऐसे किया था, मतलब क्या है ना जिससे ये अच्छे से कट सा जाएगा और बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया ना, तो ये बिल्कुल अपने फ्लेवर में आ गया था। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से और अंदर से गल गया और बहुत बढ़िया हो गया था। सो लास्ट में इसमें ऐड करूँगी एक मतलब 2-3 पत्तियाँ हरे धनिए की। तो हरे धनिए के बगैर तो है ना मतलब देखने में लुक भी बनाना है इसका, तो धनिया डालने के बाद तो बहुत ही टेस्टी हो गया था। और हल्का सा गरम मसाला मैंने ऊपर से ऐड किया, और मेरा भरता जो है ना हो गया है तैयार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भरता वगैरह तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ रोटियाँ सेकने। तो सबसे पहले जो है ना इनके टिफ़िन की ही रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल तो यही टिफ़िन लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है ना जब हम लोग खाएंगे ना, हम लोग लास्ट में अपनी बना लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बस इन्हीं के टिफ़िन के लिए रोटियां सेकनी है। दूसरी तरफ गैस पे मेरी चाय चढ़ी हुई है, चाय जो है ना अच्छे से उबलने में टाइम लगता है अब, तो उबालती हूँ जब तक जो है ना मेरी 5-6 रोटियां आराम से बन जाती हैं। तो हैंड टू हैंड ही एक से एक के साथ दूसरा काम, दूसरे के साथ तीसरा काम, ऐसे ना हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और काम जो है ना जल्दी जल्दी निपटते हुए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो मशीन जो है ना लगाती हूँ तभी लगा देती हूँ, जब सुबह उठती हूँ ना तभी के तभी लगा देती हूँ। इसके एक साथ साथ है ना मेरे 3-4 काम निपटते हुए चले जाते हैं, और धूप होने से पहले करीब 9-9:30 तक मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं।
सो फ्रेंड्स रोटियां वगैरह बन गई, उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी ली है। अभी जो है ना मैंने बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए, बस गैस को साफ़ करना बाकी है। तो हैंड टू हैंड ही किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह रोटी बनती है ना, लंच वगैरह पैक करने के बाद सीधा किचन में जो है ना ये काम होता है मेरा, कि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके छोड़ देती हूँ इसको, तो किचन पूरा क्लीन हो जाता है, फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं दूसरे काम में तभी लगती हूँ जब पहले एक काम निपटा दिया। तो इधर कपड़े जो है ना बहुत सारे घूम गए थे, और आज हुआ क्या ना, मतलब मशीन दोबारा से फूक गई। तो जैसे ही मतलब कपड़े सुखाने वाले सुखा रही थी ना मैं सुखाने वाली में, तो उसमें पता नहीं क्या धुआं सा उठा और ना बहुत बुरी तरह से मशीन में आग सी लग गई और फूक सी गई मशीन ना। और मुझे इतनी टेंशन हो गई कि अब जो है ना बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आजकल तो गर्मी है ना तो इतनी टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स काफ़ी कपड़े सूख गए थे और उसके बाद जो है ना फूकी मेरी मशीन। तो ये जो कपड़े मैं सुखा रही हूँ ना, ये गीले गीले से कपड़े थे, ये रह गए थे, इसके बाद जो है ना मशीन ख़राब हो गई थी। वैसे तो मशीन गारंटी में है, मोटर जो है ना उसकी गारंटी में है, अभी 6 महीने के लिए बोला था भैया ने कि 6 महीने तक चलेगी, लेकिन मैं फिर क्या कर सकती हूँ, अगर मैं दिखा दूँगी उनको बुला के ना एक बारी, अगर चलती है तो चला देंगे, वरना फिर काम तो ऐसे ही चलाना होगा कि मतलब डेली के कपड़े ऐसे ही धुल दूंगी, और अब तो गर्मी है तो ऐसे ही सूख जाएंगे, सर्दियों तक देखा जाएगा कि क्या क्या हो। सो फ्रेंड्स किचन क्लीन हो गया, कपड़े सुखाया हूँ, बस लास्ट का काम बचा है मेरा झाड़ू पोछा करने का। तो मैं आ गई हूँ नीचे, अभी जो है ना सबसे पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बेडशीट को बिछा देती हूँ। तो पुरानी वाली बेडशीट को मैंने निकाल कर धो दिया है आज, तो अभी जो है ना बस बेडशीट बिछा दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह मैं लगा दूँगी, और उसके बाद जो है ना आज मुझे कहीं काम से जाना भी है। कई बार ऐसा होता है ना बाहर के काम निकल आते हैं ना, तो लेकिन गर्मी की वजह से वो ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन करने हैं तो करने ही हैं। कोई काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं अवॉइड कर सकते ना, तो बस वही काम ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर जो है ना जब हम फोल्डिंग बिछाते हैं ना तो मशीन को सामने कर देते हैं रात में, तो अभी जो है ना फोल्डिंग को उठा दिया है और मशीन को जो है ना लास्ट में इधर कर दिया है। तो फटाफट से जो है ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उससे पहले जो है ना बच्चे आ गए हैं नहाकर, तो पहले जो है ना इनकी चोटियाँ वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए पहले काव्या की चोटियाँ करूँगी, तो ये जो है ना आराम से अपने आप नहा लेती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो कभी कभार थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि जैसे बाल बड़े हैं कटवा दूं, लेकिन फिर लगता है नहीं नहीं कटवाने नहीं चाहिए, अब तो बढ़ाने का टाइम है। तो ये बोलती है कि मतलब मुझे ना बड़े बाल चाहिए, मुझे मत कटवाओ, तो इसलिए ना ये फिर इसकी चोटियाँ का एक काम मेरा बढ़ गया है। तो अभी जो है ना बस उर्वी नहा रही है बाथरूम में, तब तक जो है ना काव्या की चोटियाँ वगैरह कर देती। मतलब मैं इतने किचन का काम करती हूँ ना, तब तक जो है ना मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि एक एक करके नहा लेंगे। जैसे मतलब पहले काव्या गई, फिर उर्वी गई, तो अभी जो है ना उर्वी आ गई है नहाकर। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे नहा लेते हैं तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। धैर्य का मेरी जिम्मेदारी है कि धैर्य को मुझे नहलाना पड़ता है, वैसे भी ये इनसे नहाता नहीं है, ना किसी से भी नहीं नहाता है, ना अपने पापा से नहाता, किसी से भी नहीं, इसको डर बहुत लगता है ना, तो इसीलिए ना ये मुझसे ही नहाता है। तो बस अगर ये दोनों भी नहा लेती है ना तो मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है और मेरे को ना टेंशन नहीं होती। तो बस इनके बाल वगैरह मैंने बना दिए हैं, तो अभी जो है ना बस धैर्य को नहला देती हूँ। सो आजकल गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो बस मैंने इसका एक जुड़ा सा बना दिया है, मतलब फिर ये ना पूरे दिन खोल नहीं पाएगी, वरना ये पूरे दिन खोल के बालों को ना इधर उधर घूमती रहती है, इसको गर्मी इतनी लगती है लेकिन फिर भी मानती नहीं है। सो फ्रेंड्स इधर जो है ना मैं धैर्य को नहलाकर ले आई हूँ, तो नहाते हुए ना बहुत रोता है ये, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही रोता है, पता नहीं इसको क्या है बेटा कि इसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रोहन है ना, रोहन को बहुत अच्छा लगता है नहाना, वो बहुत अच्छे से नहाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको कैल्शियम आयरन की गोलियाँ जो है ना वो दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो अभी जो है ना मैं खा रही हूँ खाना, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बैंगन का भरता बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था, वाकई में जितना मैंने सोचा भी नहीं था ना कि उससे भी ज़्यादा अच्छा बना था, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सो मैं बस यहाँ पर रोटियाँ खा रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जैसे सब्जियाँ वगैरह ना मैं रोटी पर रख के खाती हूँ, जैसे कोई सूखी सब्जी होती है ना तो मैं उसको रख के ऐसे खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना ना। उसके बाद मुझे जाना है किसी बैंक के काम के लिए ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है।
सो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है, करीब 2:30-3 का टाइम हो गया है और अब जो ना मैं कर रही हूँ बच्चों को मैगी बनाने की तैयारी। तो आज जो है ना बच्चों को खानी है मैगी, बहुत दिनों से सोच रहे थे और ये एक पैकेट है ना कब से पड़ा हुआ था, मतलब सामान में ना निकला था, तो इनको ना मैगी खानी थी। और ये जो है ना सिंपल वाली प्लेन मैगी खाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं ना टमाटर वगैरह छोके, तो वैसी नहीं खाते बच्चे, इनको पसंद नहीं है, तो बस ये जो है ना वैसी नॉर्मल सी मैगी खाएंगे। तो मैंने जो है ना एक पानी चढ़ा दिया है इसको अच्छे से फ्राई पैन में, और जब तक जो है ना मसाला अच्छे से भुनेगा, मतलब घुलेगा इसमें पानी में ना, उसके बाद मैं मैगी डालने वाली हूँ। तो जो 2 मिनट नूडल होते हैं ना वो वाले मैं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मन करता है, वैसे बड़ों का भी मन करता है, ये वाली मैगी ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मुझे जो टमाटर वगैरह छोक कर मैं बनाती हूँ ना, मुझे वो पसंद है, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो अभी जो है ना बस बच्चों को दे रही हूँ बनाने के लिए, और मैंने तीनों हिस्सों में अलग अलग बांट दी है, मतलब वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना लड़ते हैं खाते हुए ना, तो पहले ही बच्चे बोल रहे थे कि मतलब आप जो है ना अलग अलग देना हमें, तो मैंने ना तीनों बच्चों को अलग अलग प्लेट्स में करके दे दिया। इधर दूध भी चढ़ा दिया है, दूध है ना धैर्य के लिए ख़त्म हो गया था, तो हम लोग जो है ना एडवांस थैली वगैरह ला कर रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक जो है ना मैं अपने कपड़े उतार कर लेकर आ गई थी ऊपर से, और अभी जो है ना दूध गर्म हो जाएगा तो उसको उठा के ना मैं जग में रख दूँगी और अपने लिए बनाऊँगी एक चाय बढ़िया सी। तो बच्चों को चाय पीनी नहीं है, और मैं जो है ना साथ के साथ ये कपड़े भी उठा कर रख रही हूँ। सो ये जब तक मैगी खा लेंगे तब तक जो है ना मेरे कपड़े भी ठीक ठाक हो जाएंगे और दूध भी उबल जाएगा। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ करूँगी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।